हमारे साथ है मल्टी टैलेंटेड एक्ट्रेस एंड अ डियर फ्रेंड एंड अ सिस्टर पारुल चौधरी और उनकी प्रिटी मॉम रेणुका सिंह. वेलकम टू सास बहू और कोरोना. हाय, थैंक यू सो मच एंड थैंक यू फॉर द ब्यूटिफुल इंट्रोडक्शन माय डियर सिस्टर चारुल. एंड वेल, हाउज इट गोइंग विद यू बिफोर आई बिगिन? बहुत अच्छा चल रहा है, घर में है और मैं भी घर से ही काम कर रही हूँ और बहुत सारी चीजें सीखी है मैंने पारुल इस दौरान. जो जो मैंने नहीं किया था वो सब मैं अब कर रही हूँ और आई एम फीलिंग प्राउड ऑफ माई सेल्फ. पहले लगता था कि ये काम हमसे नहीं हो पाएगा, अरे ये तो अपने बस की बात नहीं है, लेकिन अब लगता है हम सारे काम कर सकते हैं. या इट्स ट्रू एक्चुअली. यस, तो पारुल आप बहुत क्रिएटिव नजर आ रही हैं आपकी मॉम के साथ. आपके कई वीडियोस भी मैंने देखे हैं, पिक्चर्स भी हम देखते रहते हैं. तो ये बताइए कि इस लॉकडाउन ने आपको मौका दिया है और समय दिया है अपनी मम्मी के साथ स्पेंड करने के लिए और क्रिएटिव रहने के लिए. तो सबसे पहले तो आप लग बहुत प्यारी रही हैं. तो सबसे पहले बताइए लॉकडाउन पीरियड कैसा चल रहा है आपका मम्मा के साथ? आई थिंक बहुत बढ़िया चल रहा है क्योंकि वन चारों जब हम लोग शूट करते हैं तो उतना फैमिली टाइम नहीं मिल पाता, और अगर आप कुछ और करना भी चाहते हैं शूटिंग के अलावा तो उसके लिए भी आपको टाइम नहीं मिल पाता. मतलब अगर आपको कुछ अलग से करना है या कुछ ज़्यादा क्रिएटिव करना है, क्योंकि यू नो इतने लंबे शूटिंग आवर्स, फिर कभी रैंडम सी छुट्टी मिलती है, आप कुछ प्लान नहीं कर पाते. तो आई थिंक यहाँ कहीं ना कहीं बहुत कुछ हो रहा है. मतलब बीइंग वेरी क्रिएटिव, आई नेवर न्यू कि मैं किचन में घुसकर कुछ कुक कर सकती हूँ, तो वो सब भी चल रहा है. यू नो लाइक यू सेड, ये झूठ बोल रहे हो आप, ये झूठ बोल रहे हो, क्योंकि जिस हिसाब से आप कुकिंग कर रही हो ना पारुल, वो आपका वो नया कुछ भी आपने एक्सप्लोर नहीं किया है, आपको आता है पहले से? नहीं आता, मम्मा से पूछो. आई यूज टू, आंटी ये झूठ बोल रही है ना? नहीं, वो कर लेती है बट शौक नहीं है. हाँ. मतलब किचन में ऐसा होता था चारुल की ना, बड़ा ऐसा, मतलब आई हैव टू फोर्स माई सेल्फ टू डू समथिंग, यू नो, ऐसा. मतलब आई एम नॉट लाइक वन ऑफ दोज पैशनेट कुक्स. तो आई थिंक कभी कहीं ना कहीं ऐसा थोड़ा बहुत करके कुछ देखा, कुछ ट्राई किया, फिर वो कुछ अच्छा हुआ तो आपको यू नो अच्छा लगता है खुद से, फिर आप कुछ और ट्राई करते हो, फिर आप कुछ और ट्राई करते हो. और ऐसे ही मैं कुछ ऐसी रेसिपीज हम लोग क्रिएट करके इंस्टाग्राम पे डाल रहे हैं तो बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है, सब लोग ट्राई कर रहे हैं और हमें टैग कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि ये बनाओ, वो बनाओ, ये क्रिएट करो. तो आई थिंक कहीं ना कहीं या अच्छा. मैं अभी मम्मा से ये सवाल पूछूंगी, रेणुका जी आपकी कोई ऐसी डिश जो आपने अपनी बेटी को बताई हो, वो बनाई हो और उसके बाद तारीफें मिल रही हो, जो आपने इनको बताया हो कुछ? पैनकेक. तो मम्मा ने चारुल मतलब ऑब्वियसली क्योंकि हम हेल्थ कॉन्शियस है, वी अवॉइड मैदा और वी अवॉइड एनी वाइट फ्लावर. तो मम्मा ने इन्वेंट किए थे पैनकेक्स अपने रेगुलर आटे से, वीट फ्लावर से, और वो इतने यमी है, इतने यमी है कि अब मतलब हर दूसरे तीसरे दिन, यू नो, और वो बहुत बनाने बहुत ही ईजी हैं. तो अब हम खूब एक्सपेरिमेंटेशन करते रहते हैं उनके साथ. तो अगर एक क्विक रीकैप हो जाए कि कैसे बनाते हैं और कैसे एक नॉर्मल फ्लावर से हम बना रहे हैं इसे. तो हम लेंगे आटा एंड उसको मिक्स करने के लिए हम दही यूज करते हैं. अगर दही यूज नहीं है तो आप पानी से भी मिक्स कर सकते हैं. और उसमें फ्लेवरिंग के लिए आप दालचीनी पाउडर डाल सकते हैं, अगर दालचीनी पाउडर नहीं है तो आप इलायची पाउडर डाल सकते हैं. और आपने चारुल उसको मिक्स किया, अच्छे से बैटर उसका बनाया, उसको थोड़ी देर तक साइड में रख दिया, से 15-20 मिनट्स फॉर इट टू यू नो दही का इफेक्ट आने के लिए, जिससे वो थोड़ा सा लाइट और फ्लफी बने. और बिल्कुल बनाने से पहले आप उसके अंदर बेकिंग सोडा ऐड करें और फिर उसको जैसे हम नॉनस्टिक तवा लेते हैं और बहुत ही हल्का सा ऑयल या बटर खाली ग्रीस करके उसको वाइप ऑफ करके, और वो चीले जैसे हम बनाते हैं तो वैसे ही चीले की तरह हमने मिनी पैनकेक्स बना लिए, या फिर आपको जो साइज चाहिए वो पैनकेक्स बना लिया, एंड दैट्स इट, इट्स रेडी. एंड कभी कभी चारुल इज अनदर वेरिएशन की, कभी कभी अगर आपके पास कोई स्वीटनर नहीं है, जैसे हम उसको स्वीट करने के लिए उसमें डाल रहे थे शक्कर, ठीक है, तो आप केला मैश करके भी उसमें ऐड कर सकते हैं, तो वो बनाना पैनकेक्स बन जाते हैं. और जो उसका पानी है आप उसको गुड़ का पानी भी से भी, गुड़ के पानी से भी आप उसको मिक्स कर सकते हैं, बैटर बना सकते हैं. वाओ, ये असली की जो आई है ना अभी टिप, वो यहाँ से आई है प्रॉपर, वो मम्मी की जो नुस्खे एक्सपर्ट के जो होते हैं. ओके, आंटी पारुल को आप घर में देख रहे हैं और आप
से बेहतर आपकी बेटी को कोई नहीं जानता है, लेकिन आपने और क्या क्या जाना है इनमें इस दौरान, क्योंकि बच्चे आजकल घर में हैं, ज्यादा टाइम हम स्पेंड कर पा रहे हैं, तो कोई ऐसी बात जो आपने पारुल के बारे में जानी हो जो आपको इरिटेट कर रही हो? इरिटेट करने वाली तो पारुल की कोई होती है बातें यहाँ, मैंने इसलिए आपसे अलग सवाल पूछा। मैं बता रही हूँ चार आप तो पोल खोल कर रहे हो तो देखिए मुझे ना, वैसे तो सुबह जल्दी उठ जाती है, ठीक है, क्योंकि वर्कआउट वगैरह करती है, बट मुझे बच्चों का देर तक सोना बिल्कुल पसंद नहीं आता, बस कभी कभी ही होता है, अदरवाइज पारुल का कोई इरिटेट करने वाला तो नहीं है कुछ नहीं। ये आजकल ये सब मम्मियां कंप्लेन कर रही हैं, बच्चे देर तक क्यों सोते हैं, पहले तो हम लोग जाते थे अपने आप सीरियल की शूटिंग पे जाते हो, मैं ऑफिस जाती थी, तो अभी घर में है तो हमारी पोल खुल रही है, नहीं है जल्दी हाँ कभी कभी जब रात को देर से सो रहे हैं या कुछ ऐसा है, अदरवाइज तो पारुल उठ जाती ओके। पारुल आप पूरी इंडस्ट्री आपको जानती है, हम सब आपको जानते हैं बहुत करीब से, आप बहुत ज्यादा फिटनेस का ख्याल रखती हो अपना, हम आपके वीडियोस देखते हैं इंस्टाग्राम पर, आपके यूट्यूब पेज पर, तो आप हमारे व्यूअर्स को कुछ टिप्स देना चाहेंगी, लेकिन इजी टिप्स, क्योंकि बहुत मुश्किल चीजें सच बताऊं मैं भी नहीं कर पा रही हूँ अभी, सो थोड़ी इजी कंफर्टेबल एक प्लान हमारे लिए जो हम फॉलो कर सके बिना ऐसे मुंह बनाए ओहो एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। आई अग्री चारुल, क्योंकि कहीं ना कहीं जब मेरी वेट लॉस जर्नी या फिटनेस जर्नी स्टार्ट हुई थी कुछ साल पहले, तो मेरे भी बहुत सारे मेंटल ब्लॉक्स थे, और कहीं ना कहीं जैसा कि आप कह रहे हो कि बहुत सारी चीजें अगर एक साथ आपके ऊपर वो हो जाती है ना, तो आप घबरा जाते हो, एंड सडनली आपको अपना लाइफ स्टाइल इतना चेंज करना, इट्स नॉट पॉसिबल, और अगर आप कर भी लो तो आप कुछ दिन के लिए कर पाते हो, और उसके बाद यू आर लाइक नहीं हो रहा है मुझसे, यू नो लेट मी जस्ट गेट बैक टू नॉर्मल। तो आई थिंक कहीं ना कहीं चारुल, आई एम नॉट इन फेवर ऑफ क्रैश डाइट्स, आई एम नॉट इन फेवर ऑफ कि आप अपना खाना बंद कर दें, आप खाली सैलड्स और सूप पर जिए, तो दैट आई हैव नेवर डन इट माई सेल्फ, और मैं कभी किसी को एडवाइस भी नहीं करती। मैं बस ये कहती हूँ कि आप नॉर्मल खाना खाएं, आप घर का खाना खाएं, और जैसे जिस तरह यू नो मेरे डैड एक योगा टीचर हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोग बहुत ऐसे नोट्स एक्सचेंज करते हैं एक दूसरे से, तो मेरे पापा बहुत जल्दी उठते हैं, और मेरे पापा यही कहते हैं कि बेटा जो लास्ट मील है ना आपकी, जो लास्ट मील है वो जल्दी से जल्दी खा लो। तो मेरे पापा तो ऑफकोर्स डिनर 5:30 बजे कर लेते हैं, विच इज नॉट पॉसिबल फॉर अस बिकॉज वी आर एटसेट, आप ऑफिस में होते हो, बट चारुल आई थिंक कोशिश करने की चाहिए कि हम 7 बजे तक या सनसेट तक अपनी लास्ट मील कंज्यूम कर लें, और क्योंकि कहते हैं कि योगा में जो आपकी अग्नि होती है, जो आपकी पेट का जो डाइजेशन होता है, वो जैसे जैसे सूर्यास्त होता है, जैसे जैसे सनसेट होता है, वो मंद हो जाता है, तो उसके बाद आप जो भी आपके पेट में रख रहे हो वो खाली पेट में ही रहेगा, उसका कुछ नहीं होगा, इट्स इज नॉट गिविंग यू एनीथिंग। तो जैसे कि वो इंग्लिश में भी कहते हैं कि यू नो ब्रेकफास्ट लाइक अ किंग एंड डिनर लाइक अ पॉपर, तो वही वाली बात है कि आप अपना, और जब आप ऐसा करते हैं चारों, अल्टीमेटली आपको ब्रेकफास्ट के लिए उतनी अच्छी भूख लगती है, क्योंकि आपने इतना जल्दी डिनर कर लिया है, तो ब्रेकफास्ट में भी उतनी अच्छी भूख लगती है। तो आई थिंक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है चारुल, विच मोस्ट ऑफ अस इग्नोर। हमारा डिनर ही सबसे हैवी मील हो जाता है, क्योंकि हम लोग घर जाते हैं सडनली यू नो एवरीबडी गोज होम, और वो डिनर का एक कितना बड़ा हैवी खाना लेट खाते हैं, तो आई थिंक एक बहुत बड़ी गलती आई थिंक यही कर रहे हैं हम अपनी मील के साथ, विच इज अ हैवी डिनर। और आई थिंक कहीं ना कहीं चारुल, वी कुड जस्ट लाइक यू नो जैसा कि 7 बजे के बाद आप रोटी ना खाएं, आप चावल ना खाएं, यू नो आप कुछ भी खा लें पर आप रोटी कार्ब्स अवॉइड करें, यू नो ऐसी सिंपल चेंजेस, और कहीं ना कहीं चारों इवन इफ इट्स फॉर 15 मिनट्स अ डे आप एक फिजिकल एक्टिविटी कंटिन्यू रखें, एंड आई थिंक थोड़ी इजी एक्सरसाइजेस अगर आप बता पाओ बैठे बैठे, लाइट एक्सरसाइज जो हम कर सकते हैं चारों। आई फील देखो स्किपिंग तो हमने बचपन से की है, और स्किपिंग सबको ऐसा कोई ऐसी स्किपिंग से हमें ऐसा कुछ नहीं लगता, ओह माय गॉड स्किपिंग, एंड आई थिंक कहीं ना कहीं स्किपिंग इज वन एक्सरसाइज दैट वी कुड ऑल डू। अभी लॉकडाउन में भी हम कर सकते हैं, अपने घर पे कर सकते हैं, छत पर कर सकते हैं, या जो भी आपके पास स्पेस है उसमें आप कर सकते हैं। आप सूर्य नमस्कार कर सकते हैं बिकॉज इट्स अ फुल बॉडी एक्सरसाइज। आजकल तो बहुत ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं, बहुत ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स हैं, तो कुछ ना कुछ देख कर आप ऐसा कर सकते हैं। एंड आई थिंक कहीं ना कहीं चारों यू नो हैव गुड अमाउंट ऑफ वाटर, यू नो आप फ्रेश फ्रूट्स और सैलड्स खाने की कोशिश करें। आई एम नॉट सेइंग ओनली दैट, आई एम सेइंग कि बीच में मिड मील्स जो हम
यू नो कुछ भी ऐसा खाते हैं कि नमकीन खा ली करते हैं, कुछ फ्रिज खोल के खा लेते हैं, उसको रिप्लेस कर सकते हैं कुछ हेल्दी से. एंड आई थिंक यू ऑलवेज हैव अ संडे और अ सैटरडे एज योर चीट डे. आई थिंक उस दिन आप चीट कर सकते हैं तो आपको ऐसा भी नहीं लगेगा दैट आई एम डिप्राइविंग माई सेल्फ ऑफ फूड. तो रेणुका जी आप क्या एक्सरसाइज करती हैं पारुल के साथ या वक्त निकालती हैं, बिकॉज़ आपको भी अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है. मैं पारुल के साथ तो नहीं करती पर मैं फिर भी कर लेती हूँ अपना जितना मुझसे हो पाता है. अब तो रेगुलर थोड़ा हो पाता है बट जब पारुल की शूट चलती है जब नहीं हो पाता इतना. क्योंकि अभी पारुल ऐसा कहा जा रहा है कि लॉकडाउन जब भी खुलेगा उसके बाद आपको आवाज आ रही है ना. अभी ये कहा जा रहा है कि लॉकडाउन जब खुलेगा तो बहुत से लोग ऐसे होंगे जो एकदम से दौड़ पड़ेंगे सड़कों पर, जो पेंडिंग काम थे वो करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं कोरोना वही है, वायरस वही रहेगा, सिर्फ लॉकडाउन में ही ढील दी जाएगी. उसका मतलब ये नहीं है कि हम जो मर्जी कर लें. तो हमें अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाकर, इम्यूनिटी को बनाकर रखना है ताकि हम आगे फाइट कर पाए. Absolutely. तो ऐसा कहा जा रहा है कि बहुत फ्राइड मत खाओ, हेल्दी खाओ, जैसे कि आपने बताया एक्सरसाइज करो और अपने अपनी बॉडी को रेस्ट दो ताकि हम ओवरऑल फिट रहें तो हम लंबी दूरी तक इस डिजीज को हरा पाएंगे. हाँ तो यस, तो आप इस बारे में क्या सोचती हैं कि लाइफ हमारी सेम तो नहीं रहने वाली है लॉकडाउन खुलने के बाद भी? नो आई थिंक चारुल डेफिनेटली नहीं रहने वाली है बिकॉज आई थिंक जैसे कि हम लोग हैं जिन्होंने इतना हम देख रहे हैं आजकल न्यूज में देख रहे हैं, अपने आसपास पढ़ रहे हैं, तो आई थिंक इट्स नॉट गोना बी नॉर्मल. हम सडली मॉल में नहीं पहुंचने वाले, हम सडली मूवी थिएटर्स में नहीं जाने वाले. और आई थिंक जो अब इतनी आदत पड़ गई है सैनिटाइजिंग की, मास्क पहनने की, यू नो बार बार अपने हाथ सैनिटाइज करने की, आई थिंक वो आदत रहने वाली है और सबको कंटिन्यू भी रखनी चाहिए. चारू लाइक यू सेड वायरस तो कहीं भी हो सकता है, ऐसा थोड़ी है कि वायरस गायब हो जाएगा, इट विल बिकम जीरो. सो आई थिंक हमें ध्यान रखना पड़ेगा. एंड ऑफकोर्स ये अच्छा टाइम है कि हम लोग घर पर हैं जिससे हम अपनी सेहत का ख्याल रखें, हम अपनी इम्यूनिटी बढ़ाएं, जैसे कि यू नो विटामिन सी कंज्यूम करें ज्यादा से ज्यादा जिससे यू नो आपकी इम्यूनिटी बढ़ती रहे. और जैसा कि कहा जा रहा है कि गर्म पानी पिएं, यू नो जैसा हमारा देसी काढ़ा होता है वो पिएं, ऐसी चीज़ें पीकर अपनी इम्यूनिटी बढ़ाएं ताकि आगे जब हम एक्चुअली बाहर निकलें चारुल, एंड यू नो गॉड फॉरबिड इफ पीपल हैव टू फेस अ सिचुएशन लाइक दैट, तो एटलीस्ट योर बॉडी इज प्रिपेयर्ड, यू नो आपकी बॉडी स्ट्रांग है उस वायरस से लड़ने के लिए. आप एक्टिंग को कितना मिस कर रही हैं? आपका मेकअप रूम, मेकअप करना, सेट पे जाना, स्क्रिप्ट सामने आती है, फ्रेंड्स के मेकअप रूम आसपास, सबके वैनिटी वैन्स हैं, आप मेकअप रूम्स हैं, तो वो एक पूरा फेज आप कितना मिस कर रही हैं? बहुत मिस कर रहे हैं. आई थिंक कहीं ना कहीं वो एक रेगुलर शेड्यूल बन जाता है चारों, एक आदत पड़ जाती है आपको कि आप सुबह उठे, आप तैयार हुए, आपने अपनी बास्केट वास्केट ली, आप सेट पे पहुंचे, आप तैयार हो रहे हो, वहां पे आपके एडीज आ रहे हैं आपको स्क्रिप्ट्स देने, फिर आप पूछ रहे हो आज हम क्या करने वाले हैं, देन यू लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग योर को एक्टर्स, योर यूनिट, योर डायरेक्टर्स, योर कैमरामैन. तो आई थिंक कहीं ना कहीं डेफिनेटली आई थिंक मैं ही नहीं सभी वो बहुत मिस कर रहे हैं. एंड आई थिंक कांट वेट टू गो बैक टू द सेट. एंड चारुल आई थिंक या आई मीन जल्दी से जल्दी ये चीज नॉर्मल हो और हम लोग सेट पे पहुंचे. पारुल आप बहुत लकी हैं कि आपका जो शो है दिव्य दृष्टि वो रैप हुआ, बाकायदा प्लान तरीके से रैप हुआ. ये शो बंद हो रहा है, इसके बाद नया सीजन आएगा कभी, लेकिन बहुत सारे अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे शोज ऐसे हैं एग्जिस्टिंग शोज जो कम बैक ही नहीं करेंगे अभी जब लॉकडाउन खुलेगा उसके बाद. हाँ जी, बहुत स्ट्रेस है सबके. हाँ, आई गॉट टू नो, इनफैक्ट मुझे पता लगा कि ऐसा कुछ होने वाला है. इनफैक्ट कल मुझे एक कॉल आया था अपने शेड्यूलर से, कसौटी से, तो वो वही कह रहे थे कि स्टार ने अपेरेंटली कोई दो शोज ही अप्रूव किए हैं जिसमें कसौटी थैंकफुली एक है. और वो कह रहे थे कि अगर अब हम जब भी लॉकडाउन के बाद शूटिंग भी रिज्यूम करते हैं तो वो बहुत ही स्ट्रिक्ट कंडीशंस में रिज्यूम होगी, यूनिट का साइज छोटा होगा, हम प्रॉबेबली किसी आउटडोर लोकेशन में शूट स्टार्ट करेंगे, शायद मुंबई में शूट स्टार्ट नहीं करेंगे. तो कुछ ऐसी, इनफैक्ट कल शाम को ही मेरी उनसे बात हुई, तो कुछ ऐसी चीजें उन्होंने मुझे बताई. तो और बाकी लोगों से भी पता लग रहा है चारुल दैट थिंग्स आर नॉट गोइंग टू गेट नॉर्मल एंड लॉट ऑफ शोज आर नाउ शटिंग डाउन. पारुल आपने ज्वाइन किया था कसौटी जिंदगी के सीरियल, आई थिंक काफी दिन शूट किया,
उसके बाद ही लॉकडाउन अनाउंस हुआ, तो जिस दिन ये अनाउंसमेंट हुई थी तब कैसे पता चला था आपको, किसी ने फोन किया था या मैसेज आया था, उसके बाद आपका रिएक्शन क्या था? चारू, जब हम लोग शूट कर रहे थे, इनफैक्ट वो जो मार्च के लास्ट वो वाले डेज थे ना, 11th मार्च, 12th मार्च, तब काफी इन्फेक्शन की न्यूज आने लगी थी, और इनफैक्ट हमारी शूट के सेट पर सब लोग मास्क लगा के आ रहे थे लास्ट 4-5 डेज, और हम लोग बार बार यही सोचते थे ये लोग तो सब मास्क लगा रहे हैं, यू नो वी आर सो अनसेफ, बाकी सब तो मास्क लगा लेते हैं, हम तो मास्क नहीं लगा सकते, कितना सैनिटाइज करेंगे, उन्होंने सैनिटाइजर्स भी रखे थे बिल्कुल जहाँ पे हम सेट पे घुसते हैं उससे पहले, बट सिचुएशन सीरियस होती जा रही थी, तो कहीं ना कहीं वो बातें चल रही थी, वो मर्मर्स हो रहे थे, कहीं ना कहीं पता लग रहा था कि शूट बंद होगी, यू नो क्योंकि सिचुएशन सीरियस होने लगी है, तो चारुल इनफैक्ट जो लास्ट के कुछ दिन थे 15-16, तो उसमें मुझे एक आई इन्फेक्शन हो गया था जो कि उस दिन सेट पर ही बहुत फ्लेयर अप हुआ था, तो इनफैक्ट मैंने उनसे थोड़ा सा एडजस्टमेंट लेके मैं डॉक्टर के पास गई थी, और मैं रेस्ट ही कर रही थी घर पर, और तभी हमारी आपस में भी बात होती थी एक्टर्स की, तो कहीं ना कहीं किसी को न्यूज मिली कि ऐसा नोटिस आया प्रोड्यूसर्स से कि शूट बंद हो जाएगी, और तभी के तभी वो नोटिस आ गया, और बस एक दो दिन में ही हमें प्रोडक्शन हाउस से पता लग गया था कि 18th को तो हमारी शूट इनफैक्ट हुई नहीं थी कसौटी के सेट पर, क्योंकि आई थिंक कुछ एक्टर्स ने भी, सम एक्टर्स ऑल्सो पुट देयर फुट डाउन सेइंग दैट इट इज सो अनसेफ फॉर अस, हाँ जी हाँ जी, तो बस, और पहला लॉकडाउन तो चारुल हमें जैसे पता था कि यू नो इट विल बी टिल मार्च 30th, एंड देन वी जस्ट सॉ दैट द सिचुएशन जस्ट केप्ट गेटिंग वर्स एंड इट गॉट एक्सटेंडेड एंड मोर एक्सटेंडेड, एंड सिचुएशन अभी संभल ही नहीं पा रही है सच में। अच्छा अभी शूटिंग का क्या चल रहा है, अभी होगी शूटिंग रीस्टार्ट, आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है? चारुल मुझे मेरी कल बात हुई हमारे कसौटी की टीम से, तो अब कसौटी की टीम से मुझे यही न्यूज मिली कि उन्होंने बताया कि जो स्टार के साथ उनकी मीटिंग हुई है, स्टार ने दो शोज को अप्रूव किया है, जो कि एक है कसौटी और दूसरा है ये है चाहते, तो वो कह रहे हैं कि इन दो शोज की जैसे ही लॉकडाउन खत्म हो जाएगा इन दोनों शोज की शूट्स रिज्यूम होंगी, पर हम लोग शूट बॉम्बे में नहीं रिज्यूम करेंगे, हम किसी बाहर की लोकेशन में जाएंगे जैसे कि महाबलेश्वर या पंचगनी या कोई ऐसी लोकेशन जो थोड़ी सिक्लूडेड हो, और वो सब हमें मतलब सारी गाइडलाइंस फॉलो करनी पड़ेंगी, इट विल बी अ स्मॉलर यूनिट, कम से कम लोग, और आई थिंक कुछ दिन सब वहीं जाकर कंटिन्यू रहेगा, ऐसी मुझे इन्फॉर्मेशन कल ही मिली है। ओके, तो ये कब से स्टार्ट होगा अभी इस बारे में कुछ डिटेल? इस बारे में नहीं, वो बोल रहे हैं बस मतलब अब लॉकडाउन जब खत्म होगा लॉकडाउन, मतलब जैसी ही कुछ वैसी न्यूज आएगी कि शूट रिज्यूम कर सकते हैं या स्मॉलर यूनिट्स के साथ या जो भी उनकी गाइडलाइंस आएंगी चारुल, अगर आई एम श्योर शूट के लिए भी कुछ गाइडलाइंस वो लोग रिलीज करेंगे जब सिचुएशन थोड़ा नॉर्मल हो जाता है, इस सिचुएशन में तो मुझे नहीं लग रहा, तो आई थिंक वो कह रहे हैं कि तब इस तरह से हम शूट रिज्यूम करेंगे। ओके 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 आंटी, आप ये बताइए कि आपकी जो बेटी है प्यारी सी, ये घर के और कौन कौन से काम कर लेती है? आपको मैंने इसलिए भी रखा है साथ में ताकि आप पूरी जानकारी दें और पोल खोल दें इनकी। ये वाकई कर लेती है, इसको साफ सफाई का बहुत शौक है, ऑर्गेनाइज, हाँ सब अच्छा अच्छे से अपना ऑर्गेनाइज रखती है, सब सारी चीजें, क्लीनिंग का शौक है, कुकिंग का नहीं है। इंस्टाग्राम पर तो कुकिंग एक्सपर्ट है ये, सारे कुकिंग जैसे मैं कई एक्टर से बात कर रही हूँ आजकल पारुल, तो घरों में ना झगड़े बड़े होते हैं, प्यारे वाले खट्टे मीठे झगड़े जो जरूरी होते हैं, तो क्या मम्मी और बेटी का कभी छोटा मोटा कोई टिफ, छोटी मोटी फाइट या कुछ कुछ होता है कभी आर्गुमेंट या किसी बात को लेकर, क्योंकि अब हम 24 घंटे एक साथ हैं, अब तो कोई बाहर नहीं जाता है। हाँ, अब तो ये भी नहीं कर सकते मैं बाहर जा रही हूँ। तो हाँ मतलब ऑफ कोर्स बहुत ही नेचुरल है, कई चीजों पे हमारा डिसएग्रीमेंट हो जाता है, बट ऐसे छोटे मोटे झगड़े भी हो जाते हैं, पर हमारे झगड़े ऐसे ही होते हैं, ऐसे छोटे मोटे, ऐसे 1-2 मिनट वाले झगड़े होते हैं, ऐसे बहुत लंबे एक्सटेंडेड नहीं होते हमारे झगड़े, बिकॉज पहले कौन मनाता कौन है। नहीं ऐसे मनाना भी नहीं होता, वो अंडरस्टूड होता है कि वो मोमेंटरी था, वो किसी को गुस्सा आया दूसरे को गुस्सा आया, तो थोड़ी देर में खत्म, तो वो नॉर्मल हो जाता है, मतलब हाँ थोड़ी देर में खत्म हो जाता है। ओके, 10-15-20 मिनट में।
आंटी आपकी बेटी बहुत टैलेंटेड है, हर चीज में परफेक्ट है, मॉडल रह चुकी हैं, बहुत बेहतरीन एक्ट्रेस हैं और मल्टी टैलेंटेड है, तो आपको पारुल की अभी तक की कौन सी सबसे अच्छी हम उसे पिक्चर बोलें, हम उसे वीडियो बोलें या सीरियल बोलें, आपको अभी तक क्या पारुल का काम सबसे ज्यादा पसंद आया है? मुझे एक्टिंग वाइज जो उसकी एक फिल्म आई थी, शॉर्ट फिल्म थी द बोल्ड एंड ब्यूटीफुल, डाबर वाटिका बोल्ड एंड, उसमें जो काम किया था वो सबसे पसंद आया था। अच्छा, मैंने तो नहीं देखा है, मैं जरूर देखूंगी, बट उसमें ऐसा क्या खास था जो आपको बहुत पसंद आया? उसमें डायलॉग्स नहीं थे, सिर्फ एक्सप्रेशंस थे, तो वो मतलब इतना इजी भी नहीं था करना, बट उसने अच्छे से किया वो, उसी में मुझे उसकी एक्टिंग नजर आई थी एक्चुअली। ऐसे तो एक्टिंग तो कर ही लेती है एक्ट्रेस है, तो ऐसा नहीं है। चारुल, अगर आपने नहीं देखी है, यू मस्ट सी इट, और उसके बाद आप मुझे जरूर मैसेज करना। इट्स कॉल्ड डाबर वाटिका बोल्ड एंड ब्यूटीफुल। तो डाबर वाटिका की तरफ से एक सोशल फिल्म बनी थी, एक फिल्म इज अबाउट अ वुमन जो कैंसर से गुजरी है और उसकी कीमोथेरेपी हुई है। तो आई एम बोल्ड इन द फिल्म, एंड कैसे वो अपनी नॉर्मल लाइफ रिज्यूम कर रही है उसके बाद, और बार बार वो अपने बाल बांधने जाती है और उसको पता लगता है कि बाल ही नहीं है। तो इट इज ब्यूटिफुल, बहुत ही अच्छा सॉन्ग है पूरी फिल्म में, और एक टाइम पे वायरल हुई थी वो फिल्म, एंड आई हैड गॉट लाइक अ लॉट ऑफ अप्रिसिएशन चारुल, क्योंकि टीवी में तो सब मुझे वो टिपिकल रोल में ही देखते थे, नेगेटिव ग्लैमरस। तो और मैंने बहुत कोशिश की थी टीवी में वो इमेज ब्रेक करने की, कि कहीं कोई मुझे एक रेगुलर नेक्स्ट डोर फेस देखे, पर वो डाबर वाटिका की फिल्म ने मुझे वो मौका दिया। आई प्ले दिस वेरी रेगुलर नेक्स्ट डोर वुमन, यू नो, जिसके बाल नहीं है, जो अभी अपनी पूरी लाइफ से यू नो वापस नॉर्मल आना चाह रही है, और हाउ शी फील सो कॉन्शियस अबाउट नॉट हैविंग द हेयर। तो उसकी टैगलाइन भी है चारुल, दैट यू डोंट नीड हेयर टू लुक ब्यूटिफुल। सो इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल फिल्म, वेरी इमोशनल फिल्म, और आई थिंक आई वॉज लकी टू बी अ पार्ट ऑफ इट चारुल, कम्प्लीटली। मैं पक्का मैं देखूंगी, क्योंकि अब तो समय भी है, और मैं देखकर अपना फीडबैक भी आपको जरूर दूंगी। मैं नहीं बोलूंगी मैं देखूंगी, कब देखूंगी मैं बोल नहीं सकती, मुझे जरूर देखनी है, टाइम है मेरे पास अभी देखने का। ओके पारुल, हमने आपको देखा, आपने कुछ एक्सक्लूसिव वीडियोज हमारे लिए भेजे थे, वार्डरोब को कैसे आप सेट रख सकते हैं, समर में आपका स्टाइल कैसा हो, तो घर में तो आप अपनी वार्डरोब तो एकदम सेट रखती है, मम्मा की वार्डरोब में भी क्या आप करती हैं साफ सफाई वो सेट रखने में, या वो खुद से कर लेती हैं सब? मम्मा शी इज लाइक मम्मा का वॉइस ओवर चल रहा है, अपना काम कर ले वही बहुत है। नहीं नहीं, उसे जरूरत ही नहीं है, मैं खुद कर लेती हूं। हां मम्मा की ऑर्गेनाइज्ड ही रहती हैं, मैं तो हां मम्मा की भी बहुत ऑर्गेनाइज्ड रहती है चारुल, आई थिंक आई हैव गॉट इट फ्रॉम मॉम ओनली। मुझे तो अगर पारुल का इधर से उधर जरा सा मिलता है सामान, तो मैं फट से उसे ठीक कर देती हूं। इनफैक्ट आप बिलीव नहीं करोगे चारुल, सेट पे भी जो भी मेरे रूम में आता था, या जो भी ज्यादा आता था रूम में, या जो भी मुझसे ज्यादा इंटरेक्ट करता था, तो वो सब कहते थे कि ओह माय गॉड, इतना प्रिम एंड प्रॉपर है इसका रूम, सब कुछ एकदम मेकअप करके वापस सब हो जाता है, कुछ फैला नहीं रहता। एवरी टाइम समवन केम टू द रूम, दे लाइक ओह माय गॉड, इट इज सच अ फील गुड रूम। तो इनफैक्ट आंद्रिक तो मुझे बार बार कहता था, मुझे आपका रूम इतना अच्छा लगता है, मुझे आपका रूम इतना अच्छा लगता है, घर जैसी फीलिंग देता है। तो आई थिंक वो कहीं ना कहीं घर से आदत, यू नो, वो सेट पे भी पहुंच जाती है, लाइक टू बी वेरी ऑर्गेनाइज्ड एंड सब कुछ नीट रखना, और घर जैसा फील हो सेट पर भी रूम में, तो आई लाइक ऑल दैट। राइट राइट, मेरी अद्विक नेहा से भी बात हुई, तो वो 18th फ्लोर पर रहते हैं, उन्होंने अपना कैमरा पैन करके मुझे दिखाया व्यू, तो क्योंकि हमारे घर से सब कुछ दिखता है, हमारे घर से मॉल दिखता है, हमारे घर से जहाँ पे हम शॉपिंग करने जाते हैं एरिया वो दिखता है, तो हम ना चाहकर भी उसे देख देख कर इतना मिस कर रहे हैं ना, ऐसा लग रहा है कि कब खुलेगा लॉकडाउन, कब हमारी लाइफ वापस ट्रैक पर आएगी। इनफैक्ट चारुल, अगर मैं भी आपको पैन करके दिखाऊं, तो इन्फिनिटी मॉल सामने ही है, बिल्कुल हमारे घर के विंडो से ही दिखता है, और हम भी उसे यूं ही देख देख के रोज सोचते हैं हाय कब खुलेगा, क्योंकि आई थिंक हम लोगों का तो टाइम पास ही था, हर वीकेंड पे हमें मॉल जाना है, हर वीकेंड पे हमें शॉपिंग करनी है, भले ही छोटी शॉपिंग हो। हाँ देखो मम्मा कह रही है मुझे तो रोज जाना होता है, तो आप मिस कर रहे हो मॉल जाना। मुझे तो शॉपिंग का बहुत शौक है, एक तरीके से बचत भी हो रही है थोड़ा लॉकडाउन में, एक साथ ही उड़ेगा पैसा, जैसे ही हमारा लॉकडाउन खुलेगा ना, उसके बाद हम जी भर के चीजें खरीद लेंगे, ऐसा लगता है। देखो चार,
पार्ल का कोई कपड़ा वो खुद नहीं खरीदती, हमेशा मैं शॉपिंग करती हूँ। पार्ल की हर चीज की शॉपिंग मैं करती हूँ, घर का पूरा शॉपिंग मैं करती हूँ। कोई भी चीज इतनी पुरानी हो जाए, हाय ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, आज ये सेटिंग ठीक नहीं है, इसको ऐसे ठीक कर दूं, ऐसे ठीक, उस चक्कर में शॉपिंग ही होती रहती है। अच्छा, तो आपकी शॉपिंग आपकी मम्मा करती हैं, बट मानना पड़ेगा एकदम स्टाइलिश, एकदम मतलब अप टू मार्क, अपडेटेड, जो फैशनेबल है ना, वो लेकर आया। अच्छा, इसी बात पे, लॉकडाउन जब लिफ्ट होगा, जब खुलेगा, तब सबसे पहले कहाँ जाओगे आप दोनों? हम दोनों बस घूमने जाएंगे, कुछ शॉपिंग नहीं, हाँ, हाँ, शॉपिंग नहीं करेंगे। हाँ चारुल, आई थिंक समवेयर टू जस्ट सिट एंड यू नो गेट प्रोबेबली गेट सम फ्रेश एयर, कहीं ऐसे ही, मतलब फॉर अ ड्राइव मे बी, एंड टू नॉट टू अ वेरी क्राउडेड प्लेस। आई थिंक कहीं जहाँ कम लोग हो, जहाँ यू नो ऐसा खुला देखे, रोड्स देखे, बहुत दिन हो गए किसी खुली रोड पे गए, किसी बीच साइड पर बैठे हुए, आई थिंक कहीं ना कहीं कुछ ऐसा ही करेंगे। चारुल, हमारा तो बैक रोड ही इतना सुंदर है, वो भी मिस कर रहे हैं हम लोग। हाँ, मॉर्निंग में इतना अच्छा होता है, सब जॉगिंग और सब करते रहते हैं, पूरा मैराथन होता रहता है, सब चलता रहता है, बैक रोड पे इतना सुंदर है। पारुल के एक दो वीडियो उधर ही शूट किए हमने। अच्छा अच्छा, हाँ मुझे ये भी पूछना था, ये शूटिंग कौन करता है सारे वीडियोस? ये भी आप करती हैं? मॉम इज अ मॉम। या ये आपने, आपको शुरू से पैशन था ये सब करने का, या वक्त ने सिखा दिया, या बेटी ने सिखा दिया? नहीं नहीं नहीं, मुझे शुरू से था, मुझे शुरू से ही शौक था पेंटिंग का, फोटोग्राफी का। एक्चुअली मेरे फादर थे, मतलब वो चलता चला आ रहा है, फादर बहुत अच्छे फोटोग्राफर थे, पेंटिंग बहुत अच्छी करते थे, वो शायद चलता चला आ रहा है। हाँ। वाओ, आप तो ब्लेस्ड हैं पारुल, घर में आपके तो कलाकार हैं। हाँ, क्या बात है, तो बहुत सारी बातें पता चली हैं कि पारुल की शॉपिंग मम्मी करते हैं, पारुल को सुबह मम्मी उठाते हैं, अभी तक सुन लो सब लोग। नहीं नहीं, उठ जाती हूँ मैं, उठ जाती है। नहीं, तब तक खाती है वो, जब तक लॉकडाउन नहीं खुलता है, जब लॉकडाउन खुलेगा तो उनका स्केड्यूल आ जाएगा, फिर तो वो अलार्म बिना बजे भी उठ जाएंगे। वैसे पारुल को नहीं उठाना पड़ता कभी, उठ जाती है। और अगर मुझे ऐसा लगता भी है कि अभी उठना है उसको, शायद देर हो रही है, तो मैं दरवाजा खोल देती है, पर्दे हटा देती है, पंखा बंद, अनोइंग मम्मा की हैबिट्स, पंखा बंद, एसी बंद, और किचन में से धाड़ 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 धाड़, आपको पता लग जाएगा कि चलो बेटा अभी कोई फायदा नहीं है, लेटे रहने का, उठ जाओ। बिल्कुल, तो चलते चलते रेणुका जी और उनकी प्रिटी डॉटर पारुल क्या बताएंगी व्यूअर्स को, और क्या टिप्स देंगी, और कैसे उन लोगों को आप इंस्पायर करेंगे कि कोरोना ने आपकी लाइफ को बदला है, क्या क्या आपने सीखा है, पॉजिटिविटी आप स्प्रेड कर सकते हैं, अभी आपके वर्ड्स बहुत प्रेशियस हैं। आई थिंक चारुल, मैं तो यही कहना चाहूंगी कि कहीं ना कहीं जो हम इतना फैमिली टाइम मिस करते थे, कहीं ना कहीं जो यू नो हम अपने मम्मी पापा से बातें नहीं कर पाते थे बैठकर, अपने सिबलिंग से बात नहीं कर पाते थे, तो आई थिंक नाउ इज द टाइम दैट यू आर ऑल कनेक्टिंग। आई थिंक हम वीडियोज देख रहे हैं कि फैमिली साथ में बैठकर यू नो दे हैव देयर मील्स टुगेदर, गेम्स खेल रहे हैं लोग, अंताक्षरी खेल रहे हैं, तो आई थिंक इट्स सो ब्यूटिफुल, क्योंकि एक बार जब नॉर्मल लाइफ रिज्यूम हो जाएगी तो हम एग्जैक्टली यही चीजें मिस करने वाले हैं, और आई थिंक कहीं ना कहीं हम थैंकफुल रहेंगे कि हमने ये टाइम अपनी फैमिली के साथ बिताया। तो आई थिंक ये, और कहीं ना कहीं चारुल, जैसा कि हम देख रहे हैं कि हम घर पे बैठे हैं बट नेचर अपने आप को हील कर रही है, और हम वो सारे वीडियोस देख रहे हैं कि पोल्यूशन कम हो रहा है और रोड्स क्लियर हो रही हैं और नदियां साफ हो रही हैं और एनिमल्स आर कमिंग आउट, तो आई थिंक कहीं ना कहीं ये इंडिकेशन था प्रोबेबली हमारे लिए दैट ह्यूमंस वर गोइंग टू फास्ट एंड इट वॉज टाइम टू प्रोबेबली स्लो डाउन अ बिट। तो कहीं ना कहीं आई थिंक हम सबको ये रियलाइजेशन आएगी कि थोड़ा सा वी नीड टू स्लो डाउन एंड यू नो टेक केयर। हम अपने बारे में सोचते हैं बट हम नेचर को इग्नोर करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें अपनी नेचर के बारे में सोचना है और हमें खुद का ध्यान रखना है, कि ये भी सीख हमें मिल रही है यू नो वो सैनिटाइजेशन, ये सब अपनी इम्यूनिटी बढ़ाना, एंड आई थिंक सब लगे हुए हैं इसमें यू नो आई थिंक बहुत लोगों ने जिन्होंने अब तक एक्सरसाइज नहीं की होगी वो एक्सरसाइज करने लगे हैं,
तो आई थिंक कहीं ना कहीं अ लॉट ऑफ पॉजिटिविटी आई वुड से कि मतलब इस सिचुएशन ने आई थिंक बहुत लोगों को बहुत कुछ सिखाया है और बहुत कुछ अच्छा ही सिखाया है और आई थिंक बहुत लाइफस्टाइल चेंजेस होंगे चारुल लोगों के. एंड अनदर थिंग चारुल, वी हैव आल्सो रियलाइज्ड कि हम जो इतना स्पेंड करते हैं, मतलब यूजुअली हम बाहर जाते हैं तो हम इतना स्पेंड करते हैं, हम ऑनलाइन शॉपिंग में कभी कभी बे मतलब इट्स नॉट नेसेसरी ना बात कि हम खर्चा करते हैं, हम स्पेंड करते हैं या आलतू फालतू चीजों में हम स्पेंड करते हैं. और एंड नाउ आई गेस वी ऑल्सो रियलाइज कि क्या इंपॉर्टेंट है और क्या इंपॉर्टेंट नहीं है. And probably, you know, we could probably do those savings in future and help probably कुछ needy लोगों की हम help कर सकते हैं. अगर हम वो पैसा बैठे हुए बचा सकते हैं तो हम वो future में भी हम save कर सकते हैं और किसी needy की help कर सकते हैं, I think. बिल्कुल. तो मम्मी रेणुका जी आप क्या कहेंगी चलते चलते? बस जो पारुल ने कहा मैं भी उसी से agree हूँ actually. हाँ एक बात बहुत अच्छी हुई है, बच्चे जो काम नहीं करते थे वो सबको घर में काम करना आ गया. सबको काम करना आ गया है. देखो कोरोना ने हमें कितना कुछ सिखाया है. इतना ये तो सिखाया है बिल्कुल. खासतौर से एक्टर्स को. थैंक यू सो वेरी मच रेणुका जी, थैंक यू सो मच पारुल, बहुत मजा आया बात करके, बहुत कुछ सीखा. और घर पे रहिए, सेफ रहिए, मम्मी का हाथ बताइए और जल्दी. Yes, you too, stay safe, Charles. Thank you so much. Lovely chatting with you. Same here.